ओके एक बार फिर से जेडी इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत और हम बात कर रहे हैं कि लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे लिए लेट वी एंड डब्ल्यू बी द फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस ओवर आर टी वन वी टू वी एंड डब्ल्यू टू वी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच मिनिमल पॉलीनोमियल आर गिवन। टी वन का जो मिनिमल पॉलीनोमियल दिया गया है वो आपके सामने दिया गया है एफ वन इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दैट इज नथिंग बट फैक्टराइज एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस। अगर ये फैक्टर है तो यहाँ पे अगर हम इसको जीरो उठा के करते हैं तो मेरे लिए एक्स की वैल्यू आती है और प्लस नाइन। कोई भी जीरो आइगन वैल्यू नहीं है टी वन की। इसके मतलब एक बात पता चल गई मुझे कि जो टी वन है वो इन्वर्टिबल होगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं टी वन इज अ इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा टी टू के बारे में देख लेते हैं। टी टू का जो एफ टू है एक्स पावर फोर माइनस स्क्वायर माइनस, ये फैक्टर कर लेते हैं। तो आप इसकी अगर फैक्टर करते हैं इधर आचार से कर सकते हैं स्क्वायर इज इक्वल वैल्यू में, तो चेक कर लेंगे गेट एक्स स्क्वायर प्लस टू एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन पॉइंट बाय एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर माइनस फोर पॉइंट प्लस नाइन या पॉइंट पॉइंट टू। यू विल गेट प्लस साइन टू माइनस साइन, इवन यू कैन टेक द माइनस साइन यू प्लस टू मीन एक्स स्क्वायर x square minus 2, x square minus 2, or x plus 1, x plus 1, that is factor of that f2, all are distinct x square plus 1, okay, all are distinct eigenvalues, now, मुझे क्या करना है, मुझे उस जो factor लिखा गया है, आपके सामने factor लिखा है, उसकी values निकाल, चलते हैं देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो अगर हमें टी का मिनिमल निकालना है तो मिनिमल ऑफ मिनिमल पॉलीनोमियल पॉलीनोमियल ऑफ टी कैसे निकालते हैं, एल सी एम ऑफ एफ वन एफ टू नथिंग बट एल सी एम निकालेंगे तो मेरे लिए आएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू और एक्स स्क्वायर प्लस एक फैक्टर और आ जाएगा x प्लस। तो ये मिनिमल पॉलीनोमियल टी का हो गया। अगर मिनिमल पॉलीनोमियल टी का हो गया तो मुझे एक बात पता चल गई है, यहाँ पे सभी डिस्टिंक्ट हैं और जीरो कोई नहीं है, पक्का है इसकी डिग्री ऑफ एफ एक्स फाइव हो। तो ये क्या, अब नलिटी की बात रही, नलिटी की बात रहेगी बी से बी में है, इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके मतलब t पक्का वन वन है क्योंकि ये भी इन्वर्टिबल हो गया, दैट मीन्स t इज अ इन्वर्टिबल इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन, दैट मीन्स t इज अ वन वन ट्रांसफॉर्मेशन, दैट मीन्स योर t ऑफ जीरो द ओनली
जीरो, अदरवाइज वन वन नहीं होता है, इसके मतलब नलिटी टी की जीरो होगी, तो नलिटी आर टी होगा, मतलब आंसर बी और डी करेक्ट आंसर है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप लोग देखते रहिएगा, हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कहता है तो भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसने क्या कहा। सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन ने क्या कहा है। क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास, लेट एन बी द इंटीजर ग्रेटर देन टू, एम एन आर डिनोट द वेक्टर स्पेस ऑफ एन क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स। बी एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स है, एम एन आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो बी के बारे में मुझे पहली बात पता चली वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इसके मतलब बी और बी ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज बी इक्वल टू आइडेंटिटी। क्वेश्चन वन, इसका मत करना, कंसीडर डब्ल्यू ऑफ बी, डब्ल्यू ऑफ बी कंसीडर, वो कंसीडर किया गया है कि ट्रांसपोज ए सच दैट ए बिलोंग्स टू एम एन आर, विच आर द फॉलोइंग आर नेसेसरली ट्रू, कौन कौन से ट्रू होंगे, देखते हैं कौन कौन से ट्रू होंगे, कौन कौन से। पहला तो देखना है कि सब स्पेस है कि नहीं, अगर हम देख लेते हैं तो अच्छी बात है। देखिए अगर ये दिया गया है तो इससे एक बात पक्का है कि बी ट्रांसपोज इक्वल टू फर्स्ट स्पेस, इसके मतलब डब्ल्यू ऑफ बी वास्तव में बी इनवर्स ए के बराबर हो गया फॉर ऑल ए बिलोंग्स एम एन आर, इसके मतलब ए सिमिलर टू हो जाएगा बी इनवर्स ए बी के, पक्का है हमें ऐसा मिल गया, इसके मतलब ए और बी इनवर्स ए बी के बीच वन वन करस्पॉन्डेंस होगा, दैट इज वन वन करेस्पॉन्डेंस, वन वन करेस्पॉन्डेंस बिटवीन बिटवीन कैपिटल ए एंड बी इनवर्स ए बी, अगर वन वन करेस्पॉन्डेंस हुआ इसके मतलब डब्ल्यू ऑफ बी इसके बराबर हो गया, दैट इज डब्ल्यू ऑफ बी इज नथिंग बट दैट इज अ एम एन आर, सब स्पेस भी है और एम एन आर के बराबर है, इसके मतलब सब स्पेस है और डायमेंशन रैंक भी, रैंक भी तो एन स्क्वायर हो जाएगी क्योंकि इनवर्टिबल है, रैंक एन होगी एन स्क्वायर, आंसर का आंसर सही है और आंसर डी, तो आंसर बी एंड सी आर करेक्ट आंसर, तो यहाँ पे बी और सी करेक्ट आंसर होंगे। किसी को अगर डाउट होता है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा कि आपको अगर कोई भी डाउट होता है, हम ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके लिए इस सीरीज में लाएंगे, और जो भी लोग गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लगे रहिएगा, अच्छे से लगे रहिएगा, विदाउट हार्ड वर्क और नॉट डू एनीथिंग, हमारे साथ लगे रहिएगा, यूट्यूब देखते रहिएगा इस चैनल को, अगर आप चैनल में सबसे पहली बार आए हुए हैं, पहली बार अगर मुझे देख रहे हैं, थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।